Hey, sweetie. You reached home? Just reached. Where are you? Are you there yet? Around 200 kilometers more to go, yeah? Oh. God alone knows when I'll reach. Anyway, you take care. And I'll call you once I've reached. Okay, John. We'll wait for your call. And all the best for your meeting. Thank you. Okay, bye now. Yes, Dhombeji. Sarji, कहाँ तक पहुँचे आप? मेरे मैप के हिसाब से और 200 किलोमीटर तक बता रहा है। सर, इसका मतलब आपको पहुँचते-पहुँचते रात हो जाएगी। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, वैसे कोई बात नहीं, पर क्या Dhombeji? आपको कैसे बताऊँ? आप एक काम करो। हमारा गांव आने से पहले जो शहर आता है आप वहीं पे रुक जाओ आज की रात। कल सुबह मैं आपको पिकअप करने के लिए आदमी भेज देता हूँ। अरे ऐसी क्या बात कर रहे हो Dhombeji जी, आप ही ने तो कहा था ना कि गांव में सारी अरेंजमेंट कर रखी है आपने। हाँ सर, तो मैं कहाँ ना कह रहा हूँ आपको। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम ये है कि हमारा गाँव आने से पहले एक वीराना रास्ता आता है, इसलिए सूरज ढलने के बाद कोई उस रास्ते से सफर नहीं करता। और भी बहुत सारे राजगढ़ हैं उस रास्ते में। Dhombeji जी, are you serious? हम 2018 में जी रहे हैं और आप क्या ये भूत प्रेतों में फंसे हुए हो? पर सर, Dhombeji जी, आप प्लीज टेंशन मत लो, मैं पहुंच जाऊंगा। आप बस मुझे अपना लाइव लोकेशन भेज दो, वरना रात में आपके भूतों को पकड़ के एड्रेस पूछना पड़ेगा। ओके सर, मैं भेजता हूँ। पर सर, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कॉल करना। ओके Dhombeji जी। Dhombeji जी, आपकी बात तो सच निकली है। मेरी गाड़ी तो वही बन पड़ गई जहाँ पे आपने कहा था। क्या बात कर रहे हो सर? सर आप एक काम करो, आप वहां से निकल जाओ सर, वो जगह सही नहीं है सर। सर भागो वहां से, प्लीज प्लीज सर। Dhombeji जी, मैं ना थक गया हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, आप आ जाओ जब बन पड़े। अरे सर, आप क्यों नहीं समझ रहे हो सर मेरी बात, प्लीज सर। Dhombeji जी, बाय। Hmm.
है। कौन है इधर? अरे शहर के बाबू कितने लुखे होते हैं बे, जरा सी हलचल क्या हुई तेरी तो फटके हाथ में आ गई। डरता नहीं मैं किसी से। अच्छा वो देख, फट्टू साला। अबे रुक रुक रुकना, मजाक कर रहा था मैं। वैसे इतनी रात को कहाँ को जा रहे? यही आगे के गांव में जा रहा हूँ। चल अच्छा है, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। साथ चलेंगे तो सफर आसानी से कट जाएगा। और बता यहाँ पे कैसे आना हुआ? दरअसल इस गांव की मिट्टी मुझे यहाँ खींच लगी। क्या बात है बाबू, जरा खुल के बताओगे तो और मजा आएगा। एक्चुअली इस गांव के मिट्टी में जो मिनरल्स की क्वालिटी है, इससे हम कई तरह के कल्टीवेशंस कर सकते हैं। इन शॉर्ट इस गांव की मिट्टी वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, सुपिक। यस दैट्स द वर्ड, सुपिक। आप भी काफी कुछ जानते हो लगता है। पिछले 10 सालों से इन निकम्मों को समझा रहा था, पर इनको शराब और फालतू की बातों से फुर्सत मिलेगी तब ना। अभी तू आया है तो देखते हैं क्या होता है। सीरियसली, इस गांव की मिट्टी सच में सोना है, बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। अरे कहाँ खो गए भाई साहब? कुछ नहीं, चलो। वैसे मेरे बारे में तो सब कुछ जान लिया आपने, अपने बारे में कुछ बताओगे कि नहीं? मेरे बारे में क्या बताऊं? यही, कहां से हो, क्या करते हो? यहीं से हूं और आजकल भटकों को रास्ता दिखाता हूं। You mean you're a guide cum counselor?
ऐसा ही समझ लो। और एक बात बाबू, इस गांव की मिट्टी के साथ साथ इस गांव का भला भी सोचना। पक्का। शायद कोई आ रहा है। थैंक गॉड, आ गए शायद इन लोग। एनीवे, इट वाज नाइस मीटिंग यू। और एक बात, मेरा नाम बाबू नहीं, नीरज है। और आपका? सर 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 जी, आप ठीक तो ना? मुझे क्या हुआ? ये जो मेरे साथ ये कौन? कौन? हाँ हाँ, ये कौन? कोई नहीं, मजाक कर रहा था। चलो चलो। अगर आज मैं उस ढोंगे को कहता कि मेरे साथ कोई था जो गायब हो गया, तो या तो मुझे किसी मंत्र के पास लेके जाता, या फिर मेरे बातों पे हंसता। मुझे नहीं पता वो कौन था, कोई भूत या कोई और, मुझे सच में नहीं पता। पर वो जो भी था, मेरे लिए तो मेरा एक हमराही था।